Good morning, students. This is your science teacher. Today is fifteen Jan, and uh, this is our first class after the holidays. We completed our chapter Living Organisms in our last video, and now we are going to start our new chapter Electricity and Circuit. Okay. I hope you are all are doing well and you enjoy your Sakranti very well. Now back to studies. We are going to start about the electricity. We all know. when we switch on in your homes the light is start glowing yeah when we switch on the fan the fan starts rotating hai hey na no, this is what electricity kyunki aap dekho ghar mein aapne फटाक से आए घर में अंधेरा था आपने एक बार जल्दी से भाग के स्विच ऑन किया क्या हो गया लाइट आ गई पूरे कमरे में सर्दी है तो आप हीटर की चला लेते हैं गर्मी है तो आप फ़ैन चलाना स्टार्ट कर देते हैं तो दिस इज़ ऑल क्या दिस इज़ ऑल अबाउट द वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी आपने ऐसे वायर्स देखे होंगे पोल्स देखे होंगे आपने रास्ते में जब आप ट्रैवल करते हैं कहीं पर तो दिस इज ऑल क्या ये आपके सब इलेक्ट्रिसिटी से होता है है ना सोच के देखो अगर आपके आसपास इलेक्ट्रिसिटी होती ही नहीं तो सोच के देखिए कि अगर आप आज से साठ सत्तर साल पहले होते जब बिजली थी ही नहीं तो लोग कैसे आपके अब देखो आपने अभी तो क्या किया स्विच ऑन किया मोटर चल पड़ी आपकी और आपकी मोटर स्टार्ट हुई मोटर स्टार्ट होते ही मोटर से आपका पानी चला गया टंकी में तब क्या होता लोग दूर दूर से कुएं में जाते थे पानी भरने के लिए कैसे बेचारे काम चलाते थे तो हम यही सब देखेंगे कि ये कैसे होता है इलेक्ट्रिसिटी इज वन ऑफ द मोस्ट एफिशेंट पॉल्यूशन फ्री एंड यूज़फुल फॉर्म ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी मोस्ट एफिशिएंट है मतलब बहुत एफिशिएंट होता है मतलब रिजल्ट देने वाला अच्छा रिजल्ट देने वाली पॉल्यूशन अब कोई पॉल्यूशन भी नहीं होता जैसे अगर आप पेट्रोल से व्हीकल चलाएंगे तो पॉल्यूशन होता है ना वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी से कोई पॉल्यूशन नहीं होता ऐसा तो नहीं है कि आपने लाइट ऑन किया और सारे कमरे में धुआं धुआं हो गया नहीं होता ना बच्चा तो एंड यूजफुल फॉर्म ऑफ आ एनर्जी एनर्जी ही तो है आपने स्विच ऑन किया तो एनर्जी ही तो है वो एक इट कैन बी ट्रांसफॉर्म इंटू डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी थ्रू सुटेबल डिवाइसिस और इस इलेक्ट्रिक एनर्जी को किसी डिवाइस की हेल्प से दूसरी चीज़ों में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है जैसे आपने लाइट ऑन की तो बल्ब चल पड़ा स्विच ऑन किया फ़ैन स्टार्ट हो गया स्विच ऑन किया इलेक्ट्रिक हीटर स्टार्ट हो गया दिस इज़ ऑल क्या एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो गई डिवाइस के थ्रू किस में फ़ैन में या फिर हीटर में ओवन में इलेक्ट्रिक आयरन में तो ये सब क्या होता है अप्लाइंसेस जो आप यूज़ करते हो घर पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लोस थ्रू देम अब इनसे क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है और ये चलना स्टार्ट कर देते हैं अब ये काम होता है ना अब पंखा चार घंटे चला आपको ना पंखे चार घंटे से चल रहा है तो वो उसका वर्क होगा सो so, डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट आप सब कोई पूछे चलो भाई तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो गए तो बताओ व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ मीडियम किसी मीडियम में से इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो करना मतलब इस पोल के इस वायर से अगले पोल के वायर तक क्या हुआ करंट फ्लो किया ना तो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू आ मीडियम वो मीडियम वायर भी हो सकती है वो मीडियम कुछ भी हो सकता है तो इलेक्ट्रिसिटी यूज बाय अस इन आर होम्स इज सप्लाइड फ्रॉम पावर स्टेशन जो इलेक्ट्रिसिटी हम अपने घर पे यूज करते हैं बच्चे वो कहाँ से आती है पावर स्टेशन से किसके थ्रू वायर्स के थ्रू वेयर इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड आइदर बाय यूजिंग फ्लोइंग वाटर और स्टीम एट अ वेरी हाई प्रेशर कैसे मिलती है आप क्या करते हैं कैसे प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को तो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है बच्चे बहुत स्पीड से पानी को क्या होता है रोटेट पानी जो होता है फ्लोइंग वाटर बहुत स्पीड में वाटर जो होता है वो फ्लो करता है तैरता है और या फिर स्टीम्स होती हैं भाप होती है उसको बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर पे यूज किया जाता है और फिर एक टर्बाइन होगा वो रोटेट करेगा और वहां से क्या बनती है मशीन रोटेट करती है और फिर इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है वेन इलेक्ट्रिक सप्लाई फेल्स वी यूज इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम स्टैंड बाई इलेक्ट्रिक डिवाइसेस जब इलेक्ट्रिक सप्लाई फेल हो जाती है तो हम इन्वर्टर यूज करते हैं ना तो इसी को हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम यूज़ कर लेते हैं किसी डिवाइस से जैसे कि इन्वर्टर से या जनरेटर से आपने यूज़ कर ली इन्वर्टर में भी तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी स्टोर होती है ना तो आप उसी को यूज़ करते हैं वी यूज़ बैटरी इन्वर्टर्स एट होम हम घर पर कैसे इन्वर्टर यूज़ करते, है? करते हैं बैटरी के इन्वर्टर्स यूज़ करते हैं दीज डिवाइसिस आर स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन देयर बैटरीज अपनी बैटरी के अंदर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं तो जब लाइट भागती है तो वो एनर्जी जो उन्होंने स्टोर करके रखी हुई थी वो हमारे पास आ जाती है अ टॉर्च ऑल्सो गेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द बैटरी एक जो टॉर्च होती है आपकी वो भी क्या करती है इलेक्ट्रिसिटी लेती है कहां से बैटरी से क्योंकि देखो आपकी टॉर्च में इतने जो आपके सेल्स होते हैं ना आपके कितने सारे सेल आते हैं मार्केट में उस सेल के अंदर भी क्या होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करके रखी हुई होती है सेल में तो उस एनर्जी को वो तो वो क्या करते हैं उसको स्टोर्ड एनर्जी को यूज कर लेते हैं सो बैटरीज आर द कॉमन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट तो बैटरी क्या हो गई कॉमन सोर्स हो गई ना देखो इन्वर्टर में भी बैटरी है सेल में भी बैटरी होती है तो इन सब से आप एनर्जी यूज कर लेते हो तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ से यूज हो जाती है क्वैकबैक आप देखिए डिड यू नो में क्वैकबैक इज अ प्रोविंस इन कैनेडा कैनेडा में ये जगह है एक नाइन्टी सिक्स परसेंट ऑफ द क्वैकबैक्स इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड थ्रू हाइड्रो पावर तो नाइनटी सिक्स परसेंट जो इलेक्ट्रिसिटी है वो क्वैकबैक में जनरेट की जाती है जो कि मतलब, हाइड्रो पावर प्लांट होता है एक मतलब कंपनी का नाम है बच्चे हाइड्रो पावर प्लांट्स इन ईयर 1963 नाइन थ्री गवर्नमेंट बॉट ऑल द प्राइवेट पावर कंपनीज उनको इकट्ठा किया द इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन वॉज नेशनल उसमें किया गया मतलब अलग अलग जगह पर भेजने के लिए क्वेकबैक नाउ हैज सम ऑफ द चीपेस्ट इलेक्ट्रिसिटी रेट्स इन नॉर्थ अमेरिका और क्वेकबैक सबसे सस्ती जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है नॉर्थ अमेरिका में मतलब कम पैसों में ज्यादा बिजली मिलती है बच्चे आपको अब देखिए डू यू अंडरस्टैंड में वट इज इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी ठीक है देखिए फर्स्ट लाइन ही तो है बेटा इलेक्ट्रिसिटी इज वन ऑफ द मोस्ट एफिशियंट पॉल्यूशन फ्री एंड यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी नेम सम इलेक्ट्रिकल गैजेट यूज इन आवर हाउसेज फैन कूलर ए सी हीटर्स ओवन राइट कैन इलेक्ट्रिसिटी भी कंसिडर्ड एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी बिल्कुल एनर्जी ही तो होती है वट आर द डिफरेंट uses ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या यूज है भाई लाइट मिलती है हीट मिलती है कूलिंग ए सी चलाओगे तो कूलिंग मिलेगी है ना तो ये क्या है आपकी डिफरेंट यूजेज हैं किसके इलेक्ट्रिसिटी के आई होप यू विल कम्प्लीट दिस चेक पॉइंट इन यूर बुक ओनली ठीक है आपको चेक पॉइंट सिर्फ बुक में ही कम्प्लीट करने हैं नोटबुक में नहीं करने हैं बच्चे और हम स्टडी बाइट्स करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में टिल देन बाय एंड है गुड डे